to protest, as well as in future we are going to support this movement for a better cause. Plus, we are requesting the election commissioner to have ballot boxes and please ban EVM to safeguard our democracy and India, Bharat, Hindustan. पूरे देश में आज EVM के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा है, इसमें हमारे सभी प्रोटेस्ट करने के लिए गोवा से सभी दोस्त आए हैं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, ये सही बात आज साबित हो गई, क्योंकि जंतर मंतर एक ऐसी जगह है, किसी को भी अपनी मांग रखनी है तो पूरे देश में से वहाँ आके वो प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन वो एक जगह को भी ये लोगों ने धारा 144 लगा दी है। तीन दिन पहले हम लोग EVM के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे तो वहाँ वो दिन भी सभी लोगों को अरेस्ट कर दिया था, लेकिन हम ऐलान जंग लड़ रहेंगे, EVM हटा के रहेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव करा के ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो साथी हमारे गोवा से आए हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी दूर से चल के आज जो हमारा आंदोलन था, आज यानी 25 फरवरी को जो आंदोलन हमारा था EVM का जंतर मंतर पर, जिसमें पहले हमें परमिशन दी पुलिस ने, फिर परमिशन कैंसिल कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन हुआ और बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, लगभग 8-10 हजार लोग आए, जिनको अलग अलग जगह डिटेन किया गया, अलग अलग थाने में, हम लोगों को भी जो कापसगढ़ थाने में किया गया, और हमारे सारे साथी हैं, इनको डिटेन करने की बात करें तो इन्होंने कहा गोवा वालों ने, हाँ हम तो इसीलिए आए करो डिटेन आपने, लेकिन उसके बाद में उन्होंने डिटेन नहीं किया, और मैं बस कह नहीं सकता इतना अच्छा मुझे लग रहा है कि इतनी दूर से साथी इतनी मजबूती के साथ में खड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे विश्वास है कि हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। शुक्रिया वाल्मीकि साहब जी, आप तो हम लोग का एक आइकॉन है, सब सब लोग के तरफ से हम सब आपके साथ हैं, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है।